महाजन हॉल कठुआ में कोविड-19 के वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। म्युनिसिपल काउंसिलिंग के चेयरमैन नरेश शर्मा ने बताया कि इस वैक्सीनेशन कैंप का मकसद 22 साल से ऊपर दुकानदार तथा उनके मुलाजिमों और अन्य को वैक्सीन लगाना था। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस तरह से ज्यादा कैंप शहर में लगाए जाए। इसको दो हिस्सों में छोड़ के 3 से 4 हिस्से भी इसके बनते हैं, वो बेहतर था लोगों को आम पब्लिक के लिए। आज यहाँ महाजन हॉल के अंदर जो कैंप यहाँ लगा है वैक्सीन का, ये तो इसका मकसद था जो 22 साल से ऊपर 45 तक जो दुकानदार भाई हैं, जो उनके मुलाजिम हैं, ये उनके लिए था। तो मुझे लगता है आगे इसमें, लेकिन मेन मकसद वो था ये बात जहाँ भी आ रहा था लगाने के लिए। तो ये शहर के बाकी हिस्सों में भी ये दुकानदारों का हमने 4 स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं, तो वहाँ वहाँ कैंप लगाएँ। और दूसरा, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस के अंदर हमारा पिछले 2-3 दिन से कैंप चल रहा था, आज वहाँ से इन्होंने उठा के जान ले लिया। म्युनिसिपल काउंसिलिंग लखनपुर के प्रधान रविंद्र सिंह सिंटू और पार्षदों की अगुवाई में लखनपुर के वार्ड नंबर 4 के नजदीकी हॉस्पिटल में पार्किंग का काम शुरू करवाया गया है। वहीं इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल में काफी भीड़ रहता था, इतनी ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तो ये शहर के बाकी सराहनीय कदम है आज हमारी म्युनिसिपल कमेटी की ओर से। जैसे आज हम सुबह विजिट किए हॉस्पिटल में तो देखा काफ़ी रश था, तो इन फ्रंट ऑफ दी जो हॉस्पिटल में थोड़ा सा बड़ी पुरानी जो पार्क टाइप बना हुआ था, इसको हमने डिसमेंटल करने का फैसला लिया हम सब पार्षद मिलके। तो हमने ये एक डिसीजन लिया कि हॉस्पिटल के आगे पार्किंग की कमी है, तो आज ये साफ़ सफाई करके इसको पार्किंग अच्छी तरीके से हॉस्पिटल में। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो BSC सेंटर है हॉस्पिटल, इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए इसको, क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन नेशनल हाईवे के साइड पे है लखनपुर में। इसमें हमने कमेटी में फैसला किया था, हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब और यहाँ पर आए हुए EO साहब, कि हम इस पार्किंग को हॉस्पिटल के लिए और मंदिर के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, इसलिए हमने फैसला करके इसको ग्राउंड बनाया और इसको पार्किंग के यूज़ में लेंगे और उसको अच्छी तरह टाइल वाइल डाल के और उसको हॉस्पिटल के और मंदिर के हवाले पार्किंग की सुविधा शुरू करवाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।